दर्शकों नमस्कार, मैं निषाद लांजेवार, आप देख रहे आकाश न्यूज, नई सोच नई खोज। महाराष्ट्र के पावर मिनिस्टर डॉक्टर नितिन राउत को उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिया हिरासत में। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के बासा गांव में दलित सरपंच सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके परिवार को मिलकर सांत्वना देने पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य के पावर मिनिस्टर डॉक्टर नितिन राउत को उत्तर प्रदेश पुलिस ने आजमगढ़ के सीमा पर ही हिरासत में ले लिया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इनकी जयंती पर एक दलित परिवार पर हुए अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने हेतु डॉक्टर राउत जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के दलितों पर हो रहे हमलों की अखिल भारतीय कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग ने दखल लेकर डॉक्टर नितिन राउत उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहते हुए आजमगढ़ के बांसा गांव जाने निकले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें आजमगढ़ सीमा पर ही रोककर हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के इस अडियल रवैये को ना जमानते हुए डॉक्टर नितिन राउत रास्ते पर ही बैठकर शांति से पुलिस के इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। आकाश न्यूज की खास खबर। आजमगढ़ जिले के बासगांव के प्रधान की दिन दहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या की गई है। उस कारण मैं उनके परिवार से मिलने के लिए जब आजमगढ़ आने की कोशिश में था तो आजमगढ़ के बॉर्डर पे जोरा बासपुर गांव के समीप यहाँ के जिला प्रशासन ने हमें रोक दिया है और हम सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं अभी कि हमें उस गांव में जाने दिया जाए। हम कोई गुनहगार नहीं है, हम लोग पार्टी के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और आज हमारे दिवंगत प्रधान श्री राजीव गांधी जी की जयंती है और उन्होंने 1989 में SC ST के एट्रोसिटीज़ का एक्ट लाया था। आज मुझे जो पता चल रहा है यहाँ पे प्रशासन के तरफ से कि अभी तक प्रशासन ने गुनहगारों को पकड़ा नहीं है, ना ही किसी प्रकार की मदद जिला प्रशासन ने उनके परिवार को, शोक संपन्न परिवार को की है। उसके वजह से मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ की सरकार पूरी तरीके से घबराई हुई है कांग्रेस पार्टी से और वे कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को गांव में जाने नहीं दे रहे। इसलिए दौरा बासपुर में हम जहां उन्होंने हमें रोक रखा वहां पर हम यहां अक्षर करने बैठ गए हैं।